वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप सीधा वीडियो एक मिनट स्किप करें और सीधे वीडियो के मुख्य भाग पर पहुंचें। भारत के महानतम कप्तानों में से एक और बहुत ही बड़े प्लेयर MS धोनी के रिटायरमेंट पर सारी दुनिया से रिएक्शन आए हैं। आपने देखा होगा सारे दुनिया के क्रिकेटर्स ने कुछ ना कुछ तरीके से पोस्ट करके या किसी तरीके से रिएक्शन दिया है, और MS धोनी पर पाकिस्तानी मीडिया से भी कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आए हैं। इस पॉजिटिव रिएक्शन इस TV शो में विक्रांत गुप्ता, भारत के बहुत बड़े स्पोर्ट जर्नलिस्ट और फेमस स्पोर्ट जर्नलिस्ट का भी रिएक्शन है पाकिस्तान मीडिया में जाकर। तो दोस्तों, MS धोनी ने लास्ट मैच अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, आपको याद होगा, काफ़ी दर्दनाक दृश्य था सारे इंडियंस के लिए, सभी को याद आता है वो। MS धोनी शायद अगर उसमें पहले जाते तो शायद वो इंडिया मैच जीत जाता। और MS धोनी IPL अभी कंटिन्यू खेलते रहेंगे लगभग 3 सीज़न, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दिख रहा है CSK मैनेजमेंट का। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पे बात करेंगे। दुनिया का वो वाहिद खिलाड़ी के जिसने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया अपनी क्यादत में, तीनों टाइटल अपने क्यादत में जीते, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों वो अपने मुल्क के लिए जीत के गए। सारी जिंदगी काम एंड कूल, मिस्टर कूल कहलाते थे वो, क्रिकेट खेली खामोशी के साथ, इतना बड़ा नाम और खामोशी के साथ क्रिकेट छोड़ के चले गए। कल उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, एक मैं पल दो पल का शायर हूँ और ये गाना लगाया, वीडियो लगाया, काजी खुदा हाफिज। आप हमारे यहाँ पर बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पर तो हमें रिटायरमेंट के लिए जिद करनी पड़ जाती है, हमें कभी किसी का फेयरवेल मैच देना पड़ जाता है। हर खिलाड़ी बात करता है फेयरवेल मैच की, कभी हम किसी को 1 करोड़ रुपया देने के बाद रिटायर करते हैं, वरना वो रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं हो रहे होते। तो बहुत बड़ा एक लेसन भी देखे गए, एक कामयाब कैरियर और उसके साथ साथ किस खामोशी के साथ चले गए, बताया भी नहीं किसी को कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, इस फैमिली की बहुत ज़्यादा खिदमत इस मुल्क के लिए, ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब। चंद दिन पहले अभी उनकी बरसी मनाई गई, उसी तरीके से वालियाना उनकी मोहब्बत देखने को मिली वहाँ पर। आप उनके साहबजादे शुएब मोहम्मद साहब हमेशा अरेंजमेंट करते हैं, दुआ खुद कराई उन्होंने वहाँ बैठने के बाद। पाकिस्तान का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर फील्डिंग कोच, एक बड़े डिपार्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्पोर्ट्स हेड की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं शुएब मोहम्मद साहब, शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुएब भाई, थोड़ी सी धोनी पे बात करते हैं, क्योंकि एक ऐसा नाम, वाकई इतना काम एंड कूल, कभी चेहरे पे टेंस देखी नहीं जिंदगी के अंदर, और इतनी खामोशी के साथ ही चले गए। हमारे यहाँ पर बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, हर खिलाड़ी कह रहा होता है कि अभी मुझ में बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी मुझ में है दम, लेकिन बोर्ड नहीं मान रहा होता, फिर फेयरवेल मैच मांग लेते हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। बिल्कुल नसीम, इसमें कोई शक नहीं, ये कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, ही वॉज बोर्न टू लीड। इसलिए कि एक लीडर में ही ये सारी क्वालिटीज होती हैं कि उसके अंदर कामनेस भी हो, क्रिकेटिंग नॉलेज भी हो, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग भी हो, पूरी टीम को साथ लेके भी चले, और ऑन द डे जब डिलीवरेंस की जरूरत हो तो ही ऑप्ट्स फॉर इट एंड मेक्स इट मेक थिंग्स हैपन फॉर द टीम बाय विनिंग इट। ये तमाम क्वालिटीज, और फिर ऑफ कोर्स बिहाइंड द विकेट भी स्टडी हैंड, वहां से पूरा टीम को गाइडेंस लेके चलना, हार भी गए तो उसके फेस के ऊपर वो कोई फ्राउनिंग फेस या उस तरह से नहीं, टीम को मतलब बहुत प्यार के साथ उन्होंने लेके भी चले। तो ये जैसे लाइक आई सेड के बॉर्न टू लीड वाली बात है, तो ये क्वालिटीज एक कैप्टन के अंदर होनी ही चाहिए, जब ही वो आपकी टीम को इतने अरसा लेके चल सकता है, और उन्होंने ये प्रूव किया। एक जब ये फर्स्ट टाइम ये ए टीम से गए थे और शायद कीनिया में मैचेस हो रहे थे, और पाकिस्तान की तरफ से शुएब अख्तर भी, बहुत मेरा ख्याल है कि शुएब अख्तर भी थे या मोहम्मद जाहिद थे, मुझे इन दो में से एक जरूर थे, बहुत और फास्ट भी थे, और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और सेकेंड बारी इंडिया की थी और फाइनल था शायद, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इनके इतने बड़े बड़े बाल थे, तो हाईलाइट के अंदर मैंने देखा कि एक लड़का है जिसका नाम धोनी है, उसने कोई 170 ऑड रन या 150 पता नहीं, कोई एक अच्छी बड़ी सेंचुरी की और पूरे सिंगल हैंडेडली टीम को जिता दिया और फाइनल जिताने में कामयाब हुई। तो उसी दिन से वो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया था, और नाम उनका जबानों पे, फिर जब वो इंडिया के लिए मेन टीम में आए
तो फिर ऑफ कोर्स उन्होंने बेतहाशा कारनामे 2005 में जब हम इंडिया के टूर पे गए थे उस वक्त मैं कोई 12-13 शहर वाइजैक कोची बहुत विजिट किया था हमने उस वक्त जब टेस्ट सीरीज पहले थी पाकिस्तान की उसके बाद ओडीआई सीरीज थी परवेज मुशर्रफ साहब भी आए थे दिल्ली का मैच देखने के लिए तो जिस वक्त टेस्ट सीरीज किरण मोरे विकेट कीपर थे और हम अखबार में रोज पढ़ रहे हैं मीडिया में रोज सुन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को खिलाओ महेंद्र सिंह धोनी को खिलाओ और उनका मीडिया बहुत लिख रहा था उस वक्त किरण मोरे से परफॉर्म नहीं हो रहा था तो ओडीआई सीरीज में हमारे सामने डेब्यू हुआ था महेंद्र सिंह धोनी का वो दिन है जो उन्होंने बैटिंग की थी पांचों ओडीआई में जिस तरह की उन्होंने कीपिंग की थी फिर घूम के नहीं देखा फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर उनकी कैप्टनशिप में खेले राहुल द्रविड़ उनकी कैप्टनशिप में खेले बड़े बड़े प्लेयर्स उनकी कैप्टनशिप के अंदर खेले और बड़े जबरदस्त अंदाज से लीड करके गए प्रोडक्शन टीम विक्रांत गुप्ता को अगर आप लाइन पे ले लें तो मैं बात कर लूं फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करनी है जी तो जिस तरीके से एक काम एंड कूल है एक दफा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने यहाँ पे एशिया कप हो रहा था तो वहां से निकले लिफ्ट में मेरे साथ तो मैंने कहा आप बोलते भी बहुत कमाल प्रोफेसर जो एक एक जुमला ऐसा और एक एक अल्फाज इतना जबरदस्त होता था तो मैंने कहा आप तो प्रोफेसर हैं दो मुस्कुराए बहुत अच्छे अंदाज से मैंने कहा आपका एक साइन चाहिए मेरे बेटे के लिए तो उन्होंने टी शर्ट साइन करके दी बहुत ही एक मेरी जबरदस्त डाउन टू अर्थ किस्म के वो पर्सनैलिटी हमेशा देखने में भी आए और जैसे आपसे भी अभी सुना और कई लोगों से तो ये ही क्वालिटीज होती हैं विच मेक्स अ मैन अ मैन ग्रेटर देन अदर्स और वो उस हाइट उस पिनिकल पे पहुंच सकते हैं जहां गिनती के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग खड़े होते हैं तो ये ऑफ कोर्स इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर ऑफ कोर्स उनका नाम वुड बी राइट एट द टॉप अमंग ऑल द ग्रेट्स जो इंडिया की तरफ से रहे हैं और उन्होंने ये प्रूव किया टाइम एंड अगेन कि इट हैड नॉट हैपेंड बाय फ्लूक सक्सेस ओवरनाइट किसी एक मैच में या एक टूर्नामेंट में मिल सकता है लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इंडिया की टीम और इतने बड़े द्रविड़ या सचिन वगैरह गंगुली ये सारे सब जो खेल रहे थे इनके अंडर भी जो खेले सचिन वगैरह ये प्रूव करता है कि उन्होंने उस कैंप को भी किस तरह लेके चले अपने हाथों के अंदर और कितना टू वे ट्रैफिक होता है ना लव दिया भी और लिया भी ताकि उनका गेम में फायदा हो गेम जीते इंडिया और उस तरीके से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो है वो ही उसके अंदर ये क्वालिटीज मैं तो उनको बहुत जानता हूँ और इस वक्त एक बड़ी शख्सियत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बड़ी शख्सियत अगर मैं जर्नलिज्म की बात कर लेता हूँ तो इंडिया के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपनी एक खास पहचान अपनी एक खास शनाख्त रखते हैं सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्रिकेट एनालिस्ट और खुद भी क्रिकेटर हैं जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हैं क्लब क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ते मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त शुएब भाई के बहुत अच्छे दोस्त विक्रांत गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया है गुड़गांव भारत से गुड इवनिंग विक्रांत गुप्ता भैया किशोर मोहम्मद रहेंगे किशोर भाई का बड़ा फैन था मैं जब ये क्रिकेट खेलते थे और सबसे बड़ी बात है कि जिस पेडिग्री से वो आते हैं तो ग्रेट्स ओरिजिनल मिडिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब के बेटे तो बड़ी खुशकिस्मती है जय नसीबी है मेरी कि आज मैं उसी प्लेटफॉर्म पे रहूंगा जहां पर आप और शोएब भाई एक साथ रहेंगे थैंक यू सर विकी भाई एक तो आपकी उर्दू भी धोनी से कम नहीं है इतनी जबरदस्त बोलते हैं आप विकी भाई और धोनी बोलने में जितनी महारत रखते थे ऐसे लगता है कोई प्रोफेसर बोल रहे एक बहुत बड़ा नाम ग्रैंड स्लैम अपनी क़यादत में मुकम्मल किया तमाम वर्ल्ड टाइटल जीते और इतनी खामोशी से चले गए महेंद्र सिंह धोनी मिस्टर कूल बिल्कुल ही कूल अंदाज से चले गए मैंने कई तबसरे किए हैं अगर आपको याद होगा आपके यूट्यूब पे भी बिल्कुल हमेशा ये पूछा जाता था कि अगर एम एस धोनी का एक आईपीएल अच्छा गया या दो आईपीएल अच्छे गए तो क्या होगा मैं तब बार बार एक ही बात पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद कह रहा हूँ कि नहीं वो भी जानते थे भारत की मैनेजमेंट भी जानती थी कप्तान भी जानते थे कि आखिरी उनका जो इंटरनेशनल असाइनमेंट था वर्ल्ड कप ही था और देखिए होता क्या है कि अगर वर्ल्ड कप के बाद माही के माइंड में ये था भी एक आउटसाइड चांस की मैं वर्ल्ड टी ट्वेंटी खेलूंगा तो आप अगर क्रिकेट समझते हैं तो आप जानते हैं कि डॉट्स को आपको कनेक्ट करना पड़ता है
भाई अगर मुझे 39 साल की उम्र में आगे चलकर इंडिया के लिए खेलना है तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलूंगा, मैं क्लब के मैच भी खेलूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं 12 महीने की क्रिकेट भी खेलूंगा, उसके बाद मेरा आईपीएल बड़ा अच्छा हो जाएगा तो मैं भी वर्ल्ड T20 खेलने चले जाऊंगा। जिस कप्तान ने 30-31 साल की उम्र में गंभीर को कहा बस, 33-34 साल की उम्र में वीरेंद्र सहवाग को कहा बस, 34-35 साल की उम्र में हरभजन सिंह को कहा बस, तो वो खुद अपने लिए वो पैमाना वो बेंचमार्क तो रखते ही। और एक थोड़ा सा धोनी का ये था कि जैसे उनकी शख्सियत की हम बात करते हैं तो चुपचाप एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल और इंस्टाग्राम पोस्ट डाली 15 अगस्त को जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जी, जी, तो बड़ा मतलब आपको। जी। इसलिए मैं हुआ कि टाइमिंग ऑफ इट आईपीएल शुरू होने से पहले, लेकिन ये तो मुझे अंदर से पता था कि वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। वो जो जो लोग मैटर करते थे उनको बता चुके थे, भले वो कप्तान हो, भले वो कोच हो, भले वो बीसीसीआई हो, सब पता था। और पता आज नहीं, पता एक साल पहले से था। तो ये है कि शायद थोड़ी जिद्दी है, शायद जिद उनकी ताकत थी, जिद कभी कभी आपकी कमजोरी हो जाती है। तो उनसे पूछते थे लोग, अरे माही भाई आप रिटायरमेंट के बारे में बोलते थे, तो उन्होंने कहा ऐसा है जो लोग मैटर करते हैं उनको पता है, बाकी मैं दुनिया के लिए या मीडिया के लिए थोड़ी रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने अनाउंस किया इंडिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया के बाहर जो उनको इज्जत मिली है, जैसे शौर भाई अभी कह रहे थे एक बार जीतना फ्लूक होता है, दो बार जीतना चलो दो फ्लूक हो गए, लेकिन अगर वो उस कंसिस्टेंसी के साथ आप चलते रहे तो कुछ तो उस इंसान में था। मुझे लगता है उनकी इज्जत बड़ी है, कम नहीं। बिलाशुबा उनकी जो रेस्पेक्ट, मैं खुद एज ए ह्यूमन बींग कई मरतबा मिले, हमें याद है 2005 में हम लोग साथ ही थे जब इनका डेब्यू हुआ था, उस वक्त बहुत बात चल रही थी किरण मोरे की जगह इनको शामिल किया जाए, और उसके बाद से इन्होंने घूम के नहीं देखा जिस अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खेली। विकी भैया आईपीएल कहाँ पर है, आप तैयारियां कैसी हैं, कंप्लीट हैं, तो बेहतरीन लीग जी? जी बिल्कुल मुकम्मल है नसीम भाई, मुकम्मल इसलिए है क्योंकि यूएई एक विकल्प था, एक ऑप्शन था इंडिया के लिए, और इंडिया में तो नहीं हो सकता था आईपीएल। देखिए इंडिया में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, यूएई में तादाद केसेस की कम है, बायो सिक्योर बबल आप वहां पर अच्छा कर सकते हैं। बस वही कहते हैं ना फिंगर्स क्रॉस वाली बात है, क्योंकि इंग्लैंड ने ये दिखाया है दुनिया को कि भाई क्रिकेट चल सकती है, जिस तरह से उन्होंने इंडिया पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज की, फिर पाकिस्तान की सीरीज की, इस दरमियान आयरलैंड की सीरीज की, उन्होंने ये दिखा दिया कि देखिए इतना मुश्किल नहीं है। अब यह है कि बायो सिक्योर बबल को मुकम्मल तौर पर रखना होगा, लेकिन आईपीएल में थोड़ा सा इसके अलावा है ऋषि भाई, क्योंकि 8 टीमें हैं और ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। कोई टीमें 25-25 प्लेयर हो गए, आपके जो ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ हो गया टीम का 15-20 लोग वो हो गए, तो हर टीम अलग होटल में रहेगी, आपने आपको बायो सिक्योर बबल में रखेगी, फिर बीसीसीआई के लोग होंगे, आईपीएल के लोग होंगे, ब्रॉडकास्टर्स होंगे, कुल मिलाकर ज्यादा नहीं तो 800-900 लोग हैं। बस एक ही चीज है, और ये सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, मेरे कल क्रिकेट के लिए, जैसे इंग्लैंड ने इस साल कॉन्फिडेंस दिया है सबको, अगर आईपीएल भी ठीक हो गया, बिना किसी केस के हो गया, बिना किसी हादसे के हो गया, तो फिर दुनिया कहेगी हाँ यार क्रिकेट चल सकती है।